हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए स्टडी सेंटर चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलता रहे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये शेयर मार्केट जो है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्लेस है पैसा कमाने का, ठीक है। जैसे कि हम लोग सब्जी मंडी में जाते हैं, मतलब सब्जी के मार्केट में जाते हैं और हम लोग पूछते कि आलू कितने का लगाया, टमाटो कितने का लगाया, ठीक है। तो हम लोग नेगोशिएट करते हैं, बार्गेन करते हैं, वो बोलते हैं 20, हम बोलते हैं 18, 20, 18, 25, ऐसा बोलते हैं, नेगोशिएट करके हम लोग एक नो, जैसे मान लिया उसने बोला 20, मैंने बोला 15, फिर उन्होंने बोला 20, मैंने बोला 15, तो चलो भाई तेरा नहीं ना मेरा नहीं, 18 में खरीद लो। तो जैसा हम लोग सब्जी मंडी में जाके सब्जी खरीदते हैं, उसी तरह से हमें शेयर खरीदना चाहिए, ठीक है। शेयर खरीदने का तरीका भी वैसे ही है, लेकिन बात यह है कि सब्जी का मंडी जो है वो हमारे घर के आसपास में होगा, तो ये शेयर का मंडी कहाँ मिलेगा, मतलब शेयर मार्केट कहाँ मिलेगा। तो इसके लिए क्या है, दो शेयर मार्केट है, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा वाला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है, वो बॉम्बे में है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर, वो भी मुंबई में है। अब बात यह है कि ये दोनों का नाम अलग अलग क्यों है। चलिए, शेयर मार्केट तो है लेकिन दो अलग अलग नाम एक ही जगह पर है, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा वाला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बोलने जा रहा हूँ, ये सुनने के बाद आपको लगेगा कि अरे भाई, मैं तो शेयर के बारे में पहले जान सका था, क्योंकि शेयर का जो डिटेल्स है, शेयर का जो कुछ इंडिकेटर्स है, मैं आपसे आप बोलना चाहता हूँ, सुनिएगा ज़रूर। आप सब ने ये इंडिकेटर्स देखा है अपने लाइफ में, ठीक है, आपने देखा है लेकिन आप जानते नहीं है, इसलिए आपने इग्नोर किया है। आपका टीवी स्क्रीन पे ये आता है। अब ये क्या है, ये पूरा वीडियो देखिएगा तभी जाके आपको मालूम चलेगा। ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, मेरा नाम है रूपम, आप देख रहे हैं आरडी स्टडी सेंटर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सबको बोला है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही जगह, ये मार्केट है जहाँ पे आप अपना शेयर खरीद सकते हो। फिर ये बात यह है कि आप ऐसा नहीं कि आप जैसे कि सब्जी मंडी में जाते हो, आप खुद जाते हो, जाके शेयर खरीद सब्जी खरीदते हो, ठीक है। लेकिन शेयर मार्केट में आप डायरेक्टली जाके नहीं खरीद सकते हो, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा एक ब्रोकर के थ्रू, ठीक है। अब ये ब्रोकर क्या होगा, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। याद रखिए, गलती से भी किसी आदमी के बातों में मत आइए कि हाँ मेरे पास शेयर इन्वेस्ट कर लीजिए, पैसा दे दीजिए, मैं शेयर इन्वेस्ट कर दूंगा। आप जानकारी लेके इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, तभी जाके आप मुनाफा में रहोगे, आपको प्रॉफिट मिलेगा। बिना जानकारी किए आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉस ही सफ़र करने को मिलेगा, ठीक है। याद रखिए, जो भी बंदा, कोई भी आदमी अगर आपको बोल रहा है कि वो स्टॉक ब्रोकर है, तो याद रखिएगा हर स्टॉक ब्रोकर रजिस्टर्ड किया हुआ रहता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। अगर कोई भी बंदा रजिस्टर्ड किया हुआ नहीं है तो वो अपने आप को स्टॉक ब्रोकर नहीं कह सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें कोई भी ब्रोकर, जो भी ब्रोकर के थ्रू हम जाएंगे, याद रखिएगा पहला क्राइटेरिया ये है, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए सेबी का अंडर, तभी जाके उनके थ्रू हम स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब स्टॉक ट्रेडिंग का भी दो पहलू है, दो तरह का है। एक ट्रेडिंग है जो जिसको बोलते हैं हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग, मतलब आप आज शेयर खरीदे, आज ही शेयर ना आज ही सेल कर दिया, आपने आज खरीदा आज सेल कर दिया। और एक ट्रेडिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं होल्डिंग, मतलब आपने शेयर खरीदा, आपने होल्ड करके रखा, आज सेल नहीं किया, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, एक महीना, दो महीना, एक साल बाद, जब भी आपका मन चाहे आप सेल कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं होल्डिंग, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप शेयर जब ट्रेडिंग करोगे शेयर में, तो आपको दो तरह का ट्रेडिंग करने को मिलेगा बेसिकली, जो नॉर्मली करता है, और भी बहुत तरह है, लेकिन दो जो है इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग है, एक है इंट्राडे ट्रेडिंग और एक है होल्डिंग। इंट्राडे में क्या होता है, आप जो शेयर आज खरीदे हो उसको आज आपको आज ही सेल करना है, और जो होल्डिंग वाला होता है वो आप खरीद के रख दिए, आपके पास डीमैट अकाउंट में आप रख दिए, आपको जब मन चाहे आप सेल कर सकते हो। अब बात आते हैं, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मैंने आपको बोला है कि यू नो, आप लोग ने जब आप छोटे जब थे, ठीक है, अभी भी टीवी स्क्रीन पे ये आता है एक इंडिकेटर, जैसे हम लोग गाड़ी के इंडिकेटर होता है लेफ्ट और राइट वाला, ठीक है, वैसे ही इंडिकेटर है जो टीवी स्क्रीन पे आता है, आप लोग सब देखते हो, लेकिन आप लोगों में से किसी बहुत को पता नहीं होगा कि ये शेयर मार्केट का इंडिकेटर है। अब सुनिए मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। आप लोगों ने कभी भी किसी न्यूज़ चैनल पे देखा होगा, नीचे का जो स्क्रीन है वहाँ पे बहुत सारे कंपनीज का नाम आता है, और कोई कोई रेड कलर का ऐसा लिखा हुआ रहता है नीचे में, और कोई कोई ऐसा ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। गौर कीजिएगा, सोचिएगा, आपने देखा होगा, ठीक है। तो नीचे से कंपनी का नाम एक के बाद एक आता है, किसी कंपनी में ऐसा रेड कलर का नीचे में क्या होता है एरो, किसी कंपनी में ग्रीन कलर का रहता है ऊपर में, वो क्या है।
और फिर टीवी स्क्रीन में आपने देखा ही होगा सेंसेक्स और निफ्टी। आज मैं आप सबको ये बोलने वाला हूँ सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है। ठीक है दोस्तों, ये दो है शेयर मार्केट का इंडिकेटर्स, मतलब यहाँ पे जो भी कंपनी शो कर रहा है ये शो कर रहा है कि किसी कंपनी का शेयर शायद उस दिन इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है तो ग्रीन में शो करेगा, अगर डिक्रीज हुआ है नीचे आया है तो रेड में शो करेगा। आप में से बहुत से लोगों को ये पता नहीं था तो आज आपको ये जानने को मिला है। याद रखिएगा जो कंपनी का नाम शो हो रहा है अगर रेड में शो कर रहा है नीचे ऐसे पॉइंट देके तो वो क्या हो रहा है, वो लॉस में जा रहा है, मतलब उस दिन उसका शेयर प्राइस कम हुआ है, घट गया है। और किसी कंपनी में ग्रीन शो हो रहा है ऐसा ऊपर करके, मतलब उस दिन उस कंपनी के शेयर में इजाफा हुआ है, इंक्रीज हुआ है वैल्यू। ठीक है अब बात करते हैं सेंसेक्स और निफ्टी क्या है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला कि दो मार्केट है, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा वाला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब ध्यान से सुनिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसमें करीब 5,500 कंपनीज लिस्टेड है। ठीक है अब उस 5,500 कंपनीज में से क्या करते हैं, 30 सबसे बेहतरीन और बेस्ट कंपनीज जो है उसको मिला के बनता है सेंसेक्स। सेंसेक्स क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है जहाँ पे टॉप 30 कंपनीज को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है और ये निफ्टी क्या है, निफ्टी 50 का भी आपने नाम सुना होगा कहीं पर भी। ठीक है अब अगर आप शेयर मार्केट में उतरोगे तो आपको ये सुनने को मिलेगा निफ्टी 50 के बारे में। अब ये निफ्टी 50 क्या है, ये निफ्टी जैसे कि सेंसेक्स जो है वो लिंक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से, अब जो निफ्टी है वो लिंक किया हुआ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से। ठीक है अभी नेशनल एनएससी में जो है वो करीब 1600 कंपनी लिस्टेड है, 1600 कंपनीज में से टॉप 50 कंपनी जो है उस टॉप 50 कंपनीज के ग्रुप को बोलते हैं निफ्टी 50। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सेंसेक्स क्या है, टॉप 30 कंपनी जो रजिस्टर्ड किया हुआ है, लिस्टेड किया हुआ है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जिसको हम लोग BSE बोलते हैं। और निफ्टी 50 क्या है, इसमें टॉप 50 कंपनीज हैं जो लिस्टेड किया हुआ है NSE में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है अब बात यह है, ये 30 कंपनीज किया हुआ है BSE में और जो ये 50 कंपनीज है NSE में, मतलब निफ्टी में, ऐसा नहीं कि अलग अलग है, जो 50 कंपनीज है ना इसमें वो 30 कंपनी जो BSE का होगा वो भी इंक्लूड किया हुआ होगा इसमें ऑलमोस्ट सब। ठीक है तो अगर आप निफ्टी को फॉलो करोगे, ठीक है निफ्टी को फॉलो करोगे तब आप जाके आप अच्छे से ट्रेडिंग कर पाओगे। हाँ ये बात है कि कुछ फॉर्मूलाज है, कुछ टेक्निक्स हैं जिसको आपको जानना ज़रूरी है, मैं आगे वीडियोस में बोलने वाला हूँ। ठीक है तो आज का वीडियो में बस इतना ही, मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो निफ्टी और सेंसेक्स है इसके बारे में आप ध्यान से सुनिएगा। सेंसेक्स क्या होता है, टॉप 30 कंपनीज जो इंडिया में चल रहे हैं मार्केट में। ठीक है और निफ्टी क्या होता है, टॉप 50 कंपनीज। और एक बात ये वीडियो ख़त्म करने के पहले बोलना चाहता हूँ, एक एग्जांपल बोलना चाहता हूँ, जैसे मान के क्लास 10, ठीक है क्लास 10 में क्या होता है, स्टूडेंट्स को डिवाइड किया गया है ग्रुप ए ग्रुप बी और ग्रुप सी में। ग्रुप ए में हो गया जिसका 85% अबव है, ठीक है ग्रुप बी में हो गया 60 से लेके 85 के अंदर, ठीक है और ग्रुप सी हो गया 60 का नीचे वाला। ठीक है अभी हम लोग क्या ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग को पता चल रहा है कि ये है टॉप ग्रुप, ये है मिडिल ग्रुप और ये है लोअर ग्रुप। ठीक है अभी जब एग्ज़ाम हुआ रिजल्ट निकला, अब मान लीजिए रिजल्ट जब निकला ये जो टॉप ग्रुप ए जो है इनका जो एवरेज था 85% था ये घट के आ गया 60, तो इससे अब क्या मालूम चलेगा, इस मैं एक दो का बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए ग्रुप बात कर रहा हूँ, एज ए ग्रुप एवरेज आ गया 60, तो इससे आपको क्या जानने को मिलेगा, क्या इंडिकेशन मिलेगा, ये मिलेगा कि क्वेश्चन पेपर जो आया था, ठीक है वो टफ था। अब देखिए जो टॉप का जो स्टूडेंट्स है उन लोगों का परसेंटेज कम हो गया, अभी उन लोगों का जब कम होगा तो बाकी जो बी और सी ग्रुप में था उन लोगों का भी थोड़ा थोड़ा कम होने वाला है। ठीक है जैसे ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ठीक वैसे ही हमारा जो शेयर मार्केट है वैसे चलता है। अब ये शेयर मार्केट को जानने के लिए निफ्टी 50 वही है जो काम करता है, अभी मैंने जो आपको बोला ABC क्लास डिवीजन का, उसी डिवीजन को मद्देनजर रखते हुए ये निफ्टी 50 और ये सेंसेक्स बनाया गया है जहाँ पे टॉप का कंपनीज लिस्टेड किया हुआ है। बात सिंपल है, अगर ये कंपनीज का वैल्यू डिक्रीज हुआ तो बाकी जो भी कंपनीज है उन सब का वैल्यूज भी डिक्रीज होने वाला है ऑटोमेटिकली। तो आपको ध्यान रखना है कि निफ्टी के बारे में, निफ्टी का प्राइस कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा, अब कब डिक्रीज होगा और कब इंक्रीज होगा इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। मेरा अगले वीडियो में बोलने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको जानने के बाद आप ट्रेडिंग जो स्टॉक ट्रेडिंग है स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कॉमर्स का बैकग्राउंड से होना चाहिए, आप कोई भी साइंस आर्ट्स से हो नो प्रॉब्लम। अगर आप इस ट्रिक को जान गए तो आप शेयर मार्केट में उतर के अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो और खूब सारा पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों बस इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आप सबके लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, एक लाइक तो बनता है यार। लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबको मिले। और हाँ, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद।